चल किश कर एक। साथ ना तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई शेड का हमें क्या फायदा हुआ है। यहाँ तक जो है ना अब छांव आ रही है और सर फाइनली पेट हाउस के अंदर हम लोग आ चुके हैं। वो जो ये शक्ल का एंगल था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन भाई बिलाल भाई ने ना सारा काम खींच दिया भाई। वो वाला छत भी लग गया, लगा तो नहीं अभी वेल्ड नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर ही रखा हुआ है। दोस्तों आज फाइनली हमारे न्यू वाले केज का ना काम कंप्लीट हो जाएगा। बिलाल भाई को मैंने बुला लिया हुआ है, पाइप्स की कटिंग का काम अभी जो है स्टार्ट हुआ है। पाइप्स तो मैं पहले ले आया था, लेकिन बिलाल जो है ना चादर जाली सब कुछ लेके आ गया भाई। आज हमने काम कंप्लीट करके छोड़ना है यार। पहले मैं ना सुल्तान का इंतजार करता रहा जिसने ये केज बनाया था। मैंने कहा इसके ऊपर ना भाई सीमेंट विमेंट का छत डाल देगा, लेकिन सुल्तान बिजी था कहीं काम वाम में, वो नहीं आ सका। तो मैंने बिलाल का अभी लोहे का ही काम कर देते हैं। अभी जो है ना इसकी पेमाइश हो रही है, आज कम्प्लीट हो जाएगा वैसे ये शाम तक। नहीं तो यार शाम तक कंप्लीट हो जाए बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा इंतजार है भाई जल्दी से इसके अंदर ना हम लोग न्यू पेट ला के रखें। आहा तो हमारी जो न्यू वाली गनेवा फॉल है ना यार, वो पेट है उसके अंदर इतनी ज्यादा खुश है। आते ही ना मुझे लगा था कि हर बर्ड को 2-3 दिन लग जाते हैं भाई सेटल होने में, लेकिन ये तो आते ही खा रही हैं हमारी मुर्गियों के साथ ना, ये घुल मिल गई हैं यार। बहुत ही मजे का परिंदा है ये, ना तो ये कहीं दूर जाती हैं। इनके पर मैंने वैसे ही काट दिया यार, अगर मुझे पता होता ना ये कहीं नहीं जाती, मैं इनके पर ना काटता। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा खुश है। तुम लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो भाई न्यू वाले केज के दोनों साइड से फ्रेम जो है रेडी हो चुके हुए हैं, लेकिन बदलते हुए मौसम के अनुसार मैंने ये अंदाजा लगाया कि भाई हमारा एक जो पुराना वाला बिग केज है उसके ऊपर ना बारिश आएगी, क्योंकि आगे मौसम बदल रहा है तो भाई बारिश सीधी ना इस केज के अंदर आती है। तो मैंने सोचा यार हमारे पास कुछ पुराने चादरें पड़ी हैं, क्यों ना उनको यूज में ला के ना ये एक बड़ा सा फ्रेम रेडी कर दिया भाई। ये होगा हमारा शेड, इस केज के ऊपर ना फुली शेडेड हो जाएगा ये, फिर इसके ऊपर बारिश नहीं आएगी तो कैसा लगेगा फिर ये। गुड हो गया जी। तो भाई अभी जो है ना बिलाल भाई को याद है कि हमें कुछ इस तरह की शक्ल वाला ना एक एंगल भी चाहिए। लोहे का एंगल है यार, उसकी शक्ल कुछ इस टाइप की है तो वो चाहिए। पता नहीं किस तरह की शक्ल है यार, एक बार फिर से समझा दो, मैं जाके ले आऊंगा। हैं किस तरह की शक्ल है उसकी। हाफ तो ये रेडी हो गया, मैं बाजार जा रहा हूँ जल्दी से, मैं एंगल लेके आता हूँ। मैं आऊँ तो ये सारा काम, वो वाला केज, ये वाला केज, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अच्छा ये क्या है? तो यार फाइनली पेट हाउस के अंदर हम लोग आ चुके हैं। वो जो ये शक्ल का एंगल था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन भाई बिलाल भाई ने ना सारा काम खींच दिया भाई। वो वाला छत भी लग गया, लगा तो नहीं अभी वेल्ड नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन ये जो ना वेल्ड भी हो गया प्रॉपर। बहुत ही प्यारा शेड बना है। जब इसके ऊपर दोस्तों पेंट होगा ना हमारे पेट सब बारिश से बच जाएंगे भाई सब, और गर्मियों के अंदर जो ना छांव भी करेगा। ये लेवल का हो गया यार, इस बंदे ने ना पाइप उठा के मेरे हाथ देखो कैसे कर दिए। दोस्तों सभी पेट्स के ना गाने का टाइम हो गया, तो इनको ना यहाँ साइड पे दाना डाल देते हैं, क्योंकि भाई उस साइड पे काम चल रहा है काफी। तो अभी भी काम हमारा प्रोग्रेस में, देखते हैं भाई कितने टाइम तक ये जो है ना डन होता है। अभी तक तो उसी तरह ही है बिल्कुल, अभी इसका फ्रेम तैयार हो रहा है दरवाजों का। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। तो यार शूटर को भी खोल देते हैं, डेवल को भी खोल देते हैं, ब्लैकी को भी खोल देते हैं, बल्कि पहले इनको खोलते हैं, शूटर को भी नहीं खोलते हम लोग। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार बुलबुल और चमचम को ना आज अंदर ही दाना डाल देते हैं, क्योंकि भाई काम लगा हुआ है तो यहाँ पे इनके पीछे मैं नहीं भाग सकते यार, पूरे मोहल्ले में भगाते हैं, तुम लोगों को पता ही है। बात तो सही है। दोस्तों ब्राउनी जो है ना ब्लैकी के साथ लड़ रही थी, ब्लैकी के नेवा फॉल के साथ लड़ पड़ी, ब्लैकी पीछे हो जा यार। ब्राउनी को यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, हम ना ब्लैकी को उठा लेते हैं। ब्लैकी इधर इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। नहीं इतनी मस्ती क्यों भाई, क्या हो गया तुझे यार? ना बड़ी अग्रेसिव हुई हुई है, पहले ब्राउनी के साथ लड़ रही थी अब गनेवा फॉल के साथ। चल अंदर यहीं पे दाना डालता हूँ मैं तुझे, ला के बाहर नहीं आना, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो यार पिजन्स को भी ना दाना डाल देते हैं, पिजन्स का दाना भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। आ जाओ भाई, पिजन्स हमारे सारे के सारे ऊपर हैं, जो फ्लाई कर रहे थे ना वो सारे नीचे आ गए हैं अभी, लेकिन इनको अंदर। अबे लक्का वाला भी उड़ रहा है यार, ये फैंसी पिजन जो है ना इतना ज्यादा उड़ नहीं सकता, बस थोड़ा थोड़ा उड़ता है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाने का इंतजाम हो गया तुम्हारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार छोटे वाले बच्चे भी देख जाते हैं, बड़े दिनों से उनका दीदार नहीं किया मैंने, अब तो व्हाइट व्हाइट पर भी आ गया। अबे यार अंदर ही रहो तुम लोग, बाहर नहीं जाना। आए हाय 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 यार बड़ा प्यारा हो गया अब तो है, आ जाओ दाने में, यहाँ पे खा ले आराम से बैठ के, दाने के अंदर बैठ के खा। ओ भाई स्पीड मशीन के काम चेक कर लो, अभी बाहर रहो तुम लोग, बाहर इतना दाना पड़ा हुआ है। अब ये देखो ये देखो क्या तबाही मचा के गई है। चलो बाहर अंदर नहीं आना आप तुम लोगों ने। तो यार पिजन्स केज को ना बंद ही कर देते हैं भाई, अंदर उनको खाने नहीं दे रही, बाहर दाना पड़ा है यहाँ पे नहीं खा रही। यार कोको डायमंड की डाइट आ गई हुई है, और ये देखो बिल्ली और बिल्ला कैसे देख रहे हैं। आज अंदर ही डालता हूँ तुम लोगों को, अभी खोल रहा हूँ यार, खोलने तो दे, ओए काम देखो इनके। चल आ जा आ जा आ जा, अंदर रखूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, चल डायमंड अंदर जा अंदर जा। और दोस्तों हमारी डक्स की ना एक दोस्त है वो नीचे चली गई हुई है, साथ वाले छत पे गई है, इतनी देर से इन्होंने शोर डाला हुआ कि भाई उसको ले गया। वो गई कहाँ है वैसे, इस छत पे आए यार, नजर नहीं आ रही गई कहाँ।
ओ खड़ी हुई है कोने पे। ले इसको मैं जल्दी से लेके आता हूँ, लेकिन कोको डायमंड का केज बंद करके जाना भाई, इस बार नहीं भूलना मैंने, नहीं तो रैबिट्स की सत्या नासी है ये। चलो अंदर, चलो 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 चलो, आजा भाई घर लेके जा रहा हूँ, कहीं नहीं लेके जा रहा तुझे, आजा आराम से आराम से आराम से यार। आ गई आ गई आ गई आ गई, पकड़ में आ गई मैं। दोस्तों अभी जो है ना मगरिब का टाइम हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो, लेकिन केज का काम अभी तक जारी है। अभी जो है ना इसका दरवाजा तैयार हो रहा है, कल इंशाल्लाह पूरा केज जो है ना कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि आज लाइट गई हुई थी, दो तीन घंटे तुम्हारे लाइट ने जाया करा दिया भाई, वरना आज हमारा काम कंप्लीट हो जाता, कल दोबारा आना पड़ेगा आपको, है ना। मगर क्यों, चलो कल टाइम से आ जाओ ना, दोबारा कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लव यू तुम सब लोगों को, अल्लाह हाफिज। यार फाइनली डे टू स्टार्ट हो चुका है, मैंने कभी पेट्स को नाश्ता करा देते हैं और साथ ही साथ ना तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई शेड का हमें क्या फायदा हुआ है। यहाँ तक जो है ना अब छाँव आ रही है और सभी पेट्स छाँव के अंदर है, सिवाय हमारे ग्नेवा फॉल के, ये जो है ना धूप के अंदर घूम रही है, और भाई सिर्फ हमारा वही वाला शेड नहीं है, बल्कि कोको डायमंड के केज का भी जो है ना शेड गिर गया हुआ था कॉन्क्रीट वाला, तो मैंने कहा भाई इनका शेड भी डलवा देते हैं, लगे आ तो जो है ना इनका भी स्टील वाला शेड डाल गया। अब पक्का हो गया भाई तुम्हारा काम, धूप ओपने लगेगी तुम्हें, धूप थोड़ी सी अंदर पड़ रही है, बाकी तुम लोग चेक कर सकते हो आधे केज के अंदर जो है ना अब छाँव हो गई है। उम्मीद है कि भाई बारिश में भी ये बचा रहेगा। अभी तो नाश्ता किया तुम लोगों ने, क्या चाहिए कोको? दोस्तों हमारा न्यू वाला जो केज है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है यार, इतना प्यारा बना ना मेरे सामने है बिल्कुल, और मानी को भी मैंने न्यू केज के अंदर शिफ्ट कर दिया है। नीचे से तुम लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन फुल केज जो है ना भाई वलीद भाई के साथ अगले व्लॉग के अंदर रिवील करेंगे, वरना भाई तुम अगला व्लॉग नहीं देखोगे, तुम लोग तो यहाँ देख के नाच जाओगे। बात तो सही है। ये चेक करो भाई, मानी का केज जो है ना वो मैंने कर दिया भाई, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मानी को। आज क्या हाल है मानी तेरे, हैं ठीक ठाक है, डाइट खा ली भी है? तो यार मानी जो है ना अपने न्यू केज के अंदर बहुत ही खुश है, कारपेट डाल दिए साइड के ऊपर, वहाँ पे लिटर बॉक्स आ गया, और ये देखो कहाँ से निकली जा रही है भाई, इधर इधर आ जाओ मानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे बहुत ही क्यूट है यार ये। तो भाई मानी के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम लोगों को, जैसे हमारे फोन वाइब्रेट करती है ना भाई, ये भी बिल्कुल उसी तरह से वाइब्रेट करती है जब भी इसको प्यार करो। मैं नहीं मानता। तो भाई जब मैंने गूगल करके चेक किया तो पता लगा कि भाई कैट्स इसलिए वाइब्रेट करती है, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मानी जो है ना बातें करने की कोशिश करती है, शायद ही तुम लोगों को वीडियो में आवाज आती हो कि ना हो, लेकिन भाई मुझे जो है ना क्लियर वाइब्रेशन फील होती है इसकी। ओ भाई जान छोड़ो यार, मेरे पीछे पीछे आ रही है, जान ही नहीं छोड़ रही यार। तो आज का ब्लॉग जो है ना दूसरी बार एंड कर रहे हैं यार, मिलते हैं इंशाल्लाह कल तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, लव यू तुम सब लोगों को, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही है? डालिया 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 डालिया, चल किस करे।